Greetings everyone, my name is Priyanka and we are going to do today the part 1 of chapter 2 from your honeycomb book, and name of the chapter is The Gift of Chappals and it is written by Vasanta Surya. इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इंग्लिश एकेडमी की एक्सपर्ट फैकल्टी ने तैयार किया है और इस प्रोग्राम का नाम है स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर. तो आज ही आप इस प्रोग्राम के लिए साइन अप करें क्योंकि ऑफर प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. दिस प्रोग्राम इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 6 to 10. इस प्रोग्राम में 8 मॉड्यूल्स हैं, 55 लेसन्स हैं और 40 टेस्ट PDFs हैं. इट मीन्स कि अराउंड 400 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड ऑब्वियसली जब आप इतने तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं. जैसा कि ये टॉपिक है, टॉपिक क्या है, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स टाइटल है इस लेसन का, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. और यहाँ पे इट मीन्स ये हमें बताना चाह रहा है कि कुछ ना कुछ चप्पल से रिलेटेड है. ओके, सो एक्चुअली ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी कुछ कजिन्स की है जो कि एक बेगर को चप्पल डोनेट करते हैं, और वो चप्पल किसकी होती है, एक म्यूज़िक मास्टर की होती है जो उनके घर में आए होते हैं उनकी एक कज़िन को म्यूज़िक सिखाने के लिए. तो ये बच्चे कैसे वो चप्पल उठाते हैं और बेगर को देख के इनके मन में कौन से भाव आते हैं, ये सब इस स्टोरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. तो आइए ये स्टोरी शुरू करते हैं. सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बैकग्राउंड है स्टोरी का, वो जानना ज़रूरी है. वो क्या है कि मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास. मृदु है, एक यंग गर्ल है, एक छोटी बच्ची है जो कि मद्रास में बड़ी हो रही है, और अभी मद्रास को हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं. विद तापी, किसके साथ रहती है वो, तापी के साथ, जो कौन है, उसकी ग्रैंड मदर है. सो मृदु तापी के साथ मद्रास में यानी चेन्नई में रहती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर है, और ताता, ताता कौन है, उनके ग्रैंड फादर है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लली रवि एंड मीना. एक दिन ग्रैंड मदर जो है वो मृदु को लेके जाती हैं उनकी आंट के घर. नेम ऑफ द आंट इज रुकुमनी. रुकुमनी के घर ले जाती हैं, क्यों, कजिन्स लल्ली रवि और मीना से मिलवाने. सो नाउ अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो रुकुमनी ने स्माइल करते हुए दरवाजा उनके लिए खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना कौन थे, कजिन्स थे, किसके, मृदु के. तो रवि और मीना आते हैं और उसे खींच के घर के अंदर ले जाते हैं, किसे, मृदु को. हाँ, दे पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. वेट, लेट मी टेक ऑफ माय स्लिपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने कहा रुको रुको रुको, मुझे अपने स्लिपर्स तो निकालने दो. ओके, अ प्रोटेस्टेड वर्ड का यहाँ मतलब होता है टू शो दैट यू डू नॉट अग्री टू समथिंग. यहाँ पे मृदु क्या अग्री नहीं कर रही थी, कि उसे खींच के वो घर में ले जा रहे थे और वो अपने स्लिपर्स उतारना चाह रही थी. तो यहाँ पे उसने प्रोटेस्ट किया कि वेट, लेट मी टेक ऑफ माय स्लिपर्स. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अच्छे से अपनी चप्पल उतारी और उसे एक ब्लैक पैर था चप्पलों का बड़ा, उसके साथ में नीटली रख दिया. Those were grey actually with dust. वो जो चप्पल थी साइड में जो रखी हुई थी वो ग्रे हो गई थी एक्चुअली बिकॉज ऑफ डस्ट. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लिपर. ये जो आप पिक्चर में ये निशान देख रहे हैं, ये इसी निशान की बात हो रही है. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच स्लिपर. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. जो दो बिग टोज होते हैं, जो पहले दो, उनके जो मार्क्स थे वो बहुत ही लॉन्ग और स्क्रॉनी थे. स्क्रॉनी यहाँ में मीन्स अनअट्रैक्टिवली थिन एंड बोनी. ओके, बहुत पतले, लाइक बोनी एंड अनअट्रैक्टिव, नॉट प्लेजेंट लुकिंग. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हूज स्लिपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. मृदु के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो सोचे कि ये चप्पल किसकी हो सकती है, बिकॉज उसका कजिन रवि वो उसे खींच के बैकयार्ड पे ले गया जहाँ पे एक बिटर बेरी बुश था. बिटर बेरी होती है तीखी वाली बेरी, वो वहाँ पे एक बुश लगा हुआ था, उसके
पीछे वो कुछ दिखाने लेके जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन। तो वहां पे क्या था, वहां पे एक फटा हुआ फुटबॉल था और उसमें उसकी लाइनिंग भी थी और उसमें सैंड भरी हुई थी और उसमें एक छोटा सा किटन लेटा हुआ था, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। कोकोनट का हाफ शेल था बोल की तरह, उसमें से वो मिल्क लिक कर रहा था, पी रहा था। कौन? किटन। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड मीना। मीना ने कहा हमने इसे कहाँ पाया, गेट के बाहर आज पाया सुबह, और वो म्याऊ म्याऊ की आवाजें कर रहा था बेचारा। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, एक कजिन कहता है, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। वो कहते हैं कि अगर पाटी को पता चलता है कि हमारे पास एक कैट है एज अ पेट, सो क्या होगा, वो पड्डू मामा के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम। ओके, कौन कह रहा है ये? रवि कह रहा है। रवि कहता है कि लोग हमेशा हमें कहते हैं कि एनिमल्स से काइंडनेस से हमें बिहेव करना चाहिए, हमें दया से पेश आना चाहिए, बट जब हम करते हैं तो फिर वो चिल्लाते हैं हमारे ऊपर, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। और वो क्या कहते हैं कि ये गंदे क्रीचर को, गंदी चीज़ को यहाँ मत लेके आओ। कौन कहता है ये? रवि कहता है कि लोग हमें कहते हैं कि जानवरों से प्रेम करना चाहिए और जब हम प्रेम करते हैं तो उन्हें इश्यूज होते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। एक कजिन कहता है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है एक ग्लास दूध अरेंज करना फॉर द दिस किटन, मैं तो हार्डली पकड़ा गया था किचन में अपने हाथ में एक ग्लास मिल्क के साथ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, जब मुझे पार्टी ने पकड़ा तो मैंने उसे बोला आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुकड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ सेंट। कहता है कि मैंने उसको बोला कि मुझे भूख लगी है इसलिए मैं दूध पीना चाहता हूँ, बट द वे शी वॉज लुकिंग एट मी, मुझे ज़्यादा इसका ज़्यादा से ज़्यादा दूध खुद ही पीना पड़ा जिससे कि उनका डाउट मैं अपने पर से हटा सकूँ। यहाँ पे एक फ्रेज है, यहाँ पे थ्रो हर ऑफ द सेंट। ओके, यहाँ से यहाँ तक थ्रो हर ऑफ द सेंट, इसका मतलब होता है मिसलीड समवन इन द कोर्स ऑफ अ सर्च। ओके, किसी को मिसलीड करना, किसी चीज़ के बारे में अगर कोई पता लगा रहा है तो हम उसे मिसलीड करते हैं, तो यहाँ पे हम ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं। क्या है ये? थ्रो हर ऑफ द सेंट। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पार्टी, पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मैंने उसको बोला कि मैं ये खुद से धो लूंगा, वो चाहती थी मैं उसे टम्बलर दे दूँ और वो धोए, बट मैंने उसको कहा कि मैं खुद धो लूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो वो कहता है कि मैं फटाफट यहाँ भाग के आया और जो मिल्क था ग्लास में उसको मैंने इस शेल में डाला और भाग के मैं वापस किचन में गया और टम्बलर को वॉश करके वापस रखा before she got really suspicious. इससे पहले कि उन्हें हम पे डाउट हो मैंने ये काम ख़त्म किया। Now we have to think some other way to feed Mahindran. और हमें महेंद्रन को खाना खिलाने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नाम आता है महेंद्रन। अब हम जानेंगे कि ये महेंद्रन एक्चुअली क्या है यहाँ पे। महेंद्रन, this little kitty's name is महेंद्रन। मृदु was impressed. मृदु बहुत ही impressed हो गई कि इस किटी का नाम आपने महेंद्रन रखा है, क्योंकि इतना बड़ा सा नाम जनरली लोग पेट्स का नहीं रखते हैं। तो मृत्यु कहती है इस किटी का नाम महेंद्रन है, एंड शी वॉज इम्प्रेस्ड ऑल्सो, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। क्यों इम्प्रेस हुई वो? बिकॉज महेंद्रन क्या है, एक इंसान का नाम है, इट्स नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये किसी बिल्ली के बच्चे का नाम जैसा नहीं प्रतीत होता। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाय, MP पुनाय फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट। सो उसको जवाब मिला मृदु को कि एक्चुअली इस कैट का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाय, सी द लेंथ ऑफ द नेम, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाय, शॉर्ट में हम इसको MP पुनाय भी कह सकते हैं इफ़ यू लाइक, एंड द ब्रीड ऑफ द कैट इज़ रियली वेरी
फाइन फाइन ब्रीड का मतलब यहाँ होता है कि जो कैट के एंसेस्टर्स थे वो बहुत ही अच्छी ब्रीड है, बहुत ही अच्छी नस्ल के थे. जस्ट लुक एट हिज फर लाइक लायंस मेन. फिर कहता है वो कि देखो इसके फर को देखो जैसे कि शेर के हों. लायन के मेन मेन होते हैं ये जो शेर के फेस पे इधर उधर ये जो बाल होते हैं इनको हम मेन बोलते हैं. एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम नाम. अभी एम्ब्लम, एम्ब्लम का मतलब होता है अ थिंग सर्विंग एज अ सिंबल. सिंबल किसी चीज़ का, उसको हम एम्ब्लम कहते हैं. सो वो पर्सन कंटिन्यू करता है, एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. ये सब कौन कह रहा है? ये सब रवि कह रहा है. किससे कह रहा है? मृदु से. रवि कह रहा है तुम्हें पता है, पहले तो वो कहता है कि ये देखो फर को देखो इसको बिल्कुल लायन जैसा. फिर वो ऐड करता है एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम, एम्ब्लम मतलब सिंबल ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? क्या तुम्हें पता है कि एंशिएंट पल्लव जो किंग्स थे उनका एम्ब्लम क्या था, उनका सिंबल क्या था? ही लुक्ड एट मृदु. मृदु गिगल्ड, मृदु लाफ्ड. थिंक आई एम जोकिंग. फिर वो रवि कहता है तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. तुम बस वेट करो, आई विल शो यू सम टाइम दैट व्हाट आई मेंट टू से. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. किसने कहा ये? रवि ने कहा मृदु को कि अभी मुझे लग रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग ऑफ हिस्ट्री. हैवन बीन टू महाबलीपुरम हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली. वो मिस्टीरियसली मृदु से क्वेश्चन करता है कि हैव यू एवर बीन टू महाबलीपुरम, कभी गई हो? तो मृदु आंसर करती है वेल व्हेन अ क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज तथा तथा तथाज तथाज तथाज. वो कहती है जब मैं महाबलीपुरम गई थी अपनी क्लास के साथ तो मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा. वो स्टैचू किसकी थी? महेंद्रन के. तथा तथा ये जो टर्म है इसका मतलब है ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ऐसे. फिर वो एंड में कहती है एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन. ओके, अभी रवि फिर से कंटिन्यू करता है. फैक्ट ये है, मेन बात ये है कि महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम द वेरी सेम एंशिएंट कैट. महेंद्रन क्या है? उसी सेम कैट से बिलोंग की फैमिली से बिलोंग करता है एंड इज अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लायन. और उसका लायन से कंपैरिजन भी करता है. किसका? महेंद्रन का. कौन करता है? रवि. रवि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये उसी पल्लव लायन जो कि एम्ब्लम है पल्लव डायनेस्टी का उसी की फैमिली से महेंद्रन बिलोंग करता है. और वो ये बोलते हुए इधर उधर वॉक कर रहा था बिटर बेरी के चारों तरफ और एक ट्विग उसके हाथ में था, ट्विग होता है तिनका, उसको वेव कर रहा था अप एंड डाउन एंड हिज आईज वर स्पार्कलिंग. दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. वो कहता है रवि कि ये एक डिसेंडेंट है. डिसेंडेंट मतलब होता है फैमिली में ऑफ स्प्रिंग्स, जो पीढ़ियाँ आती जाती हैं. वो कहता है ये उसी ऋषि कैट महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है उसी की पीढ़ी है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट. फिर कहता है कि और मैं अगर आपको रिमाइंड कराऊँ तो एंशियंट इजिप्ट में भी कैट्स की बिल्लियों की पूजा होती थी. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. रवि जब भी बोल रहा था तो वो इंजॉय कर रहा था बोलना एंड इट दे पीपल वर एक्सपेक्टिंग ही इज लविंग द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड. मृदु से अच्छा ठीक है ये सब है लेकिन इसका यहाँ से क्या मतलब है? ओके, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम इजिप्शियन कैट गॉड. नो गॉड इज बेस्ट इट गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन. या दैट्स इट. फिर रवि कहता है कि हम मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है किसकी? फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड. इजिप्शियन कैट गॉड जिनकी इजिप्ट में एंशियंट इजिप्ट में पूजा होती थी ये उनका डिसेंडेंट है. नहीं नहीं, गॉडेस बेस्टेड. वो कहता है बेस्टेड कौन होता है? गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन. या दैट्स इट, रवि कहता है. सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवे. वो कहता है कि उस कैट गॉडेस की एक डिसेंडेंट कौन था?
स्टोअवे, स्टोअवे का मतलब होता है एक पर्सन जो स्टोअवे करता है. स्टोअवे होता है मतलब सामान या चीज़ें इधर से उधर करना. इन वन ऑफ द पल्लवस शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट्स वॉज द महाबलीपुरम ऋषिकेट. वो रवि यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा है, महेंद्रन को ऋषिकेट से एसोसिएट कर रहा है कि कैसे वो लिंक्ड है. देन रवि फ्लरिश्ड, ही वेव्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन. महेंद्रन की ओर इशारा करके कहता है कि और वो कौन है डिसेंडेंट कैट गॉडेस का, महेंद्रन. एम पी पुना हियर, वूफ ईक, ही श्रीक्ड. श्रीक्ड का मतलब मेकिंग अ हाई पिच्ड क्राई और साउंड, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. और वो कौन था, रवि अपने से बहुत खुश भी था कि वो इतना कुछ महेंद्रन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, और वो ये बता के खुश था कि महेंद्रन जो है ऋषिकेट, महाबलीपुरम ऋषिकेट का डिसेंडेंट है. महेंद्रन लुकड अप अलार्म्ड. महेंद्रन ने ऊपर देखा, मिल्क जब वो पी रहा था तभी उसने ऊपर देखा, और वो अलार्म्ड था. अलार्म्ड मतलब फ्राइटेंड. या ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. वो अपने क्लॉज को कोकोनट शेल पे शार्पन, शार्प यहाँ पे क्या है, वो स्क्रैच कर रहा था, रगड़ रहा था. वॉट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड. ओके, एक तभी एक वियर्ड साउंड आती है और मृदु स्टार्टल हो जाती है, चौंक जाती है. एम पी पुनाय वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, वेरी स्केर्ड. इवन एम पी पुनाय ने भी जब वो आवाज़ सुनी तो वो भी स्केर्ड हो गया. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और डर के मारे उसके बाल खड़े हो गए. ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड, वो जंप किया. एंड स्करीड मतलब मूव क्विकली विद स्मॉल स्टेप्स. स्मॉल स्टेप्स क्योंकि ऑब्वियसली ये किटन है तो उसके छोटे छोटे पैर थे, उसने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लिए. टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. और एक बैम्बू ट्रे था, बैम्बू ट्रे जिसमें रेड चिलीज रखी हुई थी सूखने के लिए बाहर, वो उधर जाता है. कौन, महेंद्रन. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. मी आओ, ही हाउल्ड मिजरेबली. और वो चाहता था कि वो जो बैम्बू ट्रे है उसके नीचे छुप जाए, बट इसके चक्कर में उसके ऊपर कुछ चिलीज आ गई और वो म्याऊ म्याऊ करने लगा मिजरेबली, घबरा के. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु. वो जो हार्श नॉइज आ रही थी, हार्श साउंड आ रहा था, वो कंटिन्यू रही, तो मृदु कहती है ये क्या है, कौन कैसा शोर है ये. दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले वायलिन. ओके, ग्रंटेड रवि. रवि कहता है, ग्रंटेड मतलब मेकिंग शॉर्ट और लो साउंड. रवि कहता है कि ये लल्ली है, वो वायलिन प्ले करना सीख रही है. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing. Whizzing का मतलब move quickly through the air with a whistling or buzzing sound on and on while Lully is all time derailing, going completely off track. Okay, फिर ये continue करता है कि वो कभी ये सीख नहीं सकती है क्योंकि म्यूजिक मास्टर जो है वो ट्रेन की तरह भागते रहते हैं भागते रहते हैं, और लल्ली हमेशा क्या होती है, डिरेल हो जाती है. डिरेल मतलब बिना सुर के ही वायलिन प्ले करती रहती है, वो कंप्लीटली ऑफ ट्रैक ही रहती है. मृदु क्रेप्ट. क्रेप्ट का मतलब होता है मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड. और नोटिस मतलब चुपचाप मूव करना. वो चुपचाप जाती है और विंडो के पास और देखती है कि लल्ली वॉज सिटिंग अ डिस्टेंस अवे, अकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग. और उसने अजीब तरीके से अपना वायलिन और बो स्ट्रिंग पकड़ा हुआ था. वो बो स्ट्रिंग जो वायलिन के साथ एक और स्टिक जैसा होता है, वो हर एल्बोज जटिंग मीन्स प्रोजेक्टिंग मीन्स निकले हुए आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन. और वो पूरा शो कर रही थी कि वो पूरा फोकस कर रही है, कॉन्सेंट्रेट कर रही है म्यूजिक सीखने पर. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसके सामने कौन बैठा हुआ था, उसके सामने एक बोनी फिगर था. किसका, म्यूजिक मास्टर का. पतले से थे म्यूजिक मास्टर, वो बैठे हुए थे लल्ली के सामने. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. अब वो उनका जो सर था वो mostly bald था, मतलब वहाँ पे बाल नहीं थे, गंजे थे वो. और वहाँ क्या था, एक ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, तो बालों का गुच्छा जो बहुत ही ज़्यादा ऑयलिंग थी उसमें, वो उनके कान के इधर उधर लटक रहा था. और उनके सर पे क्या था, एक ओल्ड फैशन टफ्ट. टफ्ट को हम शिखा या चोटी भी कहते हैं, तो गुरुजी की शिखा थी या चोटी भी थी. अ
A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. गुरुजी ने गले में एक सोने की चेन पहन रखी थी. यहाँ पे जो ये शोन है ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ शाइन एंड ग्लीम मतलब शाइन. एंड उन्होंने एक डायमंड रिंग भी पहन रखी थी जो कि शाइन करती थी जब उनका हाथ वायलिन पे ऊपर नीचे होता था. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी. वेस्टी मतलब होता है लॉइन क्लोथ या फिर धोती एज. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी अनअट्रैक्टिवली थिन एंड बोनी बिग टो. अब यहाँ पे हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो बाहर मृदु को चप्पल दिखी थी वो किसकी थी, गुरु जी की थी, क्योंकि इसमें भी टोज कैसे हैं, अनअट्रैक्टिवली थिन एंड बोनी. सो अभी ये क्या कह रहा है लाइन, ये लाइन कहती है कि अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी. उनकी धोती के नीचे से एक बड़ा सा पैर बाहर निकला हुआ था. एंड ही वॉज टैपिंग हिज फीट ऑल्सो ऑन द फ्लोर एंड ही हैड बिग अनअट्रैक्टिवली थिन एंड बोनी टोज. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. जब गुरुजी ने कोई नोट प्ले किया तो लल्ली कॉपी करने के चक्कर में ऑलमोस्ट अपने वायलिन के ऊपर गिर सी गई और वायलिन लल्ली के हाथ में बहुत ही हेल्पलेस और अनहैप्पी सा दिख रहा था. वॉट अ डिफरेंस. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. कितना डिफरेंस था दोनों की साउंड में. म्यूजिक मास्टर बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे थे और लल्ली वहीं पे उनके ऑपोजिट प्ले कर रही थी. द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. परफेक्ट था म्यूजिक मास्टर का नोट. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग एज रवि सेड. और गुरुजी कैसा वायलिन प्ले कर रहे थे, जैसे कि परफेक्टली लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली, जैसे स्मूथली ट्रेन्स के व्हील रेल पे फिट रहते हैं वैसे ही गुरुजी का म्यूजिक था. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बेरिंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक. मृदु देखती रही वायलिन को, गुरुजी के हाथ को जो वायलिन पे अप एंड डाउन हो रहे थे और एफर्टलेसली बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे. स्कॉक देयर वॉज लल्लीज डिरेलिंग. ओके, लल्ली डिरेल हो जाती थी. डिरेल से यहाँ मतलब है ऑफ ट्यून हो जाती थी. लीव इट ट्रैक्स एक्सीडेंटली, और वो अपने ट्रैक्स को एक्सीडेंटली भूल जाती थी कि उसे कौन सा नोट कैसे प्ले करना है, वो हमेशा उससे भटक जाती थी. अगेन वो हमेशा ऐसा करती थी. अम्मा केम अवेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, ओह, तभी बाहर से आवाज़ आती है अम्मा अम्मा बुलाने की. रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा. रवि की माँ चिल्ला के बोली कि रवि उस भिखारी को अभी यहाँ से भगा दो. एंड वेयर शी वॉज इन द बैक वेरेंडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी. और वो वहाँ क्या कर रही थी, तापी जो मृदु को लेके आई थी उनसे बात कर रही थी. ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. पाती एक्सप्लेन टू तापी. पाती कहती है तापी को कि हाँ, हमेशा ही वो हमारे यहाँ आता है एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. पिछले हफ्ते से रोज़ वो हमारे यहाँ ही आ रहा है. अब वक्त आ गया है कि वो अपने लिए भीख मांगने के लिए कोई और घर ढूंढ ले. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बिगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. मृदु और मीना ने रवि को फॉलो किया जब वो बिगर के पास जा रहा था उसे मैसेज पहुंचाने तापी का. सो उन्होंने क्या देखा कि बिगर ऑलरेडी गार्डन में पहुंच गया था एंड ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और वो वहाँ तसल्ली से खड़ा था. तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही. बिफोर आई टेक यू लीव आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि इंग्लिश अकेडमी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि है स्कोर 100% इन इंग्लिश ग्रामर. करेंटली ये बहुत ही स्पेशल ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है. 6th to 10th क्लास के बच्चे इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं. अगर आपका इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इंग्लिश अकेडमी की टीम आपके सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी देगी. That was all for this video. Thank you everybody for watching.